लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। झालावाड़ जिले के चोमेला कस्बे के दो व्यापारी अपने व्यापार के लिए दिल्ली जाकर आए थे, जिन्हें पुलिस व चिकित्सा विभाग की टीम ने घर जाकर चेक किया तथा उन्हें कोरोना जांच के लिए झालावाड़ भेज दिया। चिकित्सा प्रभारी ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि चोमेला में दो व्यक्ति दिल्ली से लौट कर आए हैं, जो निजामुद्दीन क्षेत्र में भी गए थे, जिनके घर जाकर बाहर स्लिप चस्पा कर दी तथा मोहल्ले वासियों को इनके संपर्क में नहीं आने को कहा है। वहीं दोनों ही युवक 14 मार्च को दिल्ली गए थे, जो 16 मार्च को चोमेला लौट आए थे। अभी इनकी स्थिति सामान्य है, किसी भी प्रकार का कोई लक्षण इनके अंदर नहीं है, फिर भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। सर, अभी जो दो पेशेंट मिले हैं तो कैसे क्या जांच करी और क्या मैटर इनका? ये लोग इनके दिल्ली की ट्रेवलिंग हिस्ट्री है, तो ये लोग निजामुद्दीन से आए थे, तो श्रीमान बीसीमा साहब के निर्देश पर लोग गए वहाँ पे, इनकी स्क्रीनिंग करी हमने, इनको आइसोलेट करा और इनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और हम लोग इनको झालावाड़ के लिए भेज रहे हैं रेफर के लिए, आगे के प्रोसेस के लिए भेज रहे हैं। तो इनकी जांच आपने करी है, तो यहाँ ऐसा कोई सर्दी खांसी जुकाम वगैरह का कोई ऐसा कोई लक्षण पाए गए क्या? नहीं, ऐसा कोई लक्षण तो नहीं है, लेकिन ट्रेवलिंग की निजामुद्दीन दिल्ली की हिस्ट्री है, तो थोड़ा सा उच्च अधिकारियों के निर्देश के अनुसार जो है इनको झालावाड़ के लिए रेफर किया जा रहा है। मैं 14 तारीख को गया था बिजनेस के सिलसिले से, 16 तारीख को रिटर्न आ गया था, तो आज 21 दिन पूरे हो गए, कोई इसी प्रकार कोई भी सिम्टम्स हमारे अंदर नहीं है, फिर भी डॉक्टर साहब ने बोला है तो चेक कराने जा रहे हैं। आप भी इनके साथ गए थे? बिल्कुल, मैं भी इनके साथ गया। तो क्या कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, 21 दिन हमें हो चुके हैं चोमेला आए हुए, बाकी ऐसा कुछ हमारे में सर्दी खांसी बुखार का कोई। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।